मैरवा में सोने का चैन काटकर फरार हो रही महिला चोर को पुलिस ने पकड़ा। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवर ब्रिज के समीप ऑटो में सवारी बैठाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन महिला चोर को डायल 112 पुलिस की टीम ने पकड़कर थाने के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार महिला चोर सिवान के कागजी मोहल्ले की बताई जा रही है, वहीं ऑटो चालक बेतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित महिला मैरवा के सेवतापुर गांव की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऑटो में एक महिला सवारी को बैठाकर धाम पर ले जाने के दौरान उसका चैन काट लिया। ऑटो चालक सहित महिला चोर फरार हो गए। महिला को रोते भी लगते देख स्थानीय लोगों ने पीछा किया। जैसे ही महिला चोर लक्ष्मीपुर ओवर ब्रिज के समीप पहुंची, चालक सहित लोगों ने पकड़ लिया। मैरवा थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि पीड़ित ने आवेदन नहीं दिया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार महिला चोर से पूछताछ कर रही है। अभी मैरवा में एक ज्वेलर है, वहाँ तीन मेहरारू भटक रही थी और एक औरत को गहना ही काट ले गए। वहाँ जो चेक पोस्ट है वहाँ पर, कौन सा चेक पोस्ट, टोल टैक्स बोला, वहीं पर टूल के पास औरत गई और रोने लगे कि हमारा गला में तक चैन खींच लिया गया। मैरवा धाम पेस्टेंट के पास, मैरवा धाम पेस्टेंट के पास। और उसके बाद उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, पीछा करते हुए उन्होंने तिकरा गया, तिकरा तक वो पीछा के नहीं मिला, वो ओवर ब्रिज के नीचे गाड़ी लगा दी। तब तक फिर उधर से वो गाड़ी लेकर आ रहा था, तब इन लोगों ने देखा और उस गाड़ी को रोका और यहाँ सर्च किया गया तो उसमें तीनों महिला। अच्छा, तो क्या चीज़ से ये तीनों महिला थी? ए टेम्पू से, ऑटो से थी। तो ऑटो उन्हीं लोगों का है कि उन्हीं लोगों का ऑटो है? सिवाने का है। तो क्या वो महिला कहाँ की, पहचान हो पाया है? वो बता रही कि हम लोग कागजी माला है। अच्छा, जिसका जो गहना खींची हुई थी उस वो महिला का? महिला एक है वहीं पर, मैरवा टोल टैक्स पर, मैरवा स्टैंड पर। क्या कहिए, जिस तरीके से लगता है आम दिन ऐसा घटना घटती है और इस पर हम यही कहेंगे प्रशासन से कि मुस्तैदी से देखा जाए और इन लोग पर जो अगल बगल औरतें घूमती उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें। तीन महिला ऑटो से चोरी करके गाना, एक बच्चा भी था, एक महिला को लॉकर छीन करके भाग रही थी, वो छीन करके भाग रही थी। उसके बाद आप लोग ओवर ब्रिज के पास आप लोग पकड़े हैं जी, तो पुलिस आई है मौके पर? पुलिस यहाँ 20 मिनट के बाद आई, 112 नंबर के थाने के पास 112 नंबर आई है, मामले की जाँच कर रही है और पुलिस आई है अभी लेकर इन तीनों महिलाओं को ले गई है थाना पर। अच्छा, तीनों महिला को थाना पर ले गई है और आगे की जो भी होगा प्रशासन। तो क्या मांग करिएगा पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से ही मांग करेंगे कि आम दिन ऐसा है जो औरत भटक रही है बाजार में चौर चौराहा पर, उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखें। अपना परिचय बता दीजिए। मुन्ना प्रसाद, मुखिया, बढ़िया।